हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। ये क्राइम पेट्रोल का ऑन लोकेशन पार्ट टू है। पार्ट वन आपने देखा ही होगा। और भी जॉइनफिल्म्स और बहुत सारे वीडियोस हैं आपके हेल्प के लिए, चाहे एक्टिंग एडवाइस हो, ऑडिशन टिप्स हो, स्क्रिप्ट राइटिंग पे हो या फिल्म मेकिंग टिप्स पे हो, जिससे आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये डबल कैमरा सेटअप है, क्राइम पेट्रोल का सेट है। और देखिए, आप हैंड हेल्ड है, मतलब दोनों कैमरामैन ने हाथ में कैमरा लिया हुआ है। और ये डायरेक्टर साहब दोनों मॉनिटर पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक शॉट प्रोफाइल है एक्टर का और दूसरा फ्रंट शॉट है, तो एक ही बार में दोनों चीज़ें शूट हो जाएंगी, तो इंसर्शन में, एडिटिंग में अच्छा काम आएगा। इस समय दूसरे को एक्टर ने सिर्फ प्रॉम्प्टिंग की है, मतलब डायलॉग बोला है, ऑन कैमरा नहीं है। वो कैमरा एक्टिंग में ऐसा ही होता है, कट बोला डायरेक्टर। अब दूसरे तरह से आप देखिए, उसमें इंस्पेक्टर का क्लोज होगा और ये वाला जो कैमरा है इस तरफ, हमारे कैमरे की तरफ, ये मास्टर है, इसकी फ्रेमिंग अलग है। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है डीओपी को इस तरह से कैमरा बहुत देर तक होल्ड करने के लिए। बहुत पेशेंस वाला काम है, टेक्निकल काम है। वो देखिए, फोकस भी मेंटेन रख रहे हैं एक हाथ से, और एक हाथ से उन्होंने कैमरे को पकड़ा हुआ है। ये दूसरा कैमरा है जो मास्टर है, जिसमें दोनों तीनों लोग दिख रहे हैं, मतलब पीछे जूनियर आर्टिस्ट जो इंस्पेक्टर बनी है। ये फिर से वही वाला शॉट, बोले आंखों के पास आंसू आएगा। हाँ, उन्होंने बोला जब ऑर्डर होगा तब आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी मेंटेन करती है। खुशबू बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इनका मैंने डिटेल इंटरव्यू लिया है, आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उन्होंने बताया आंसू पोछोगे आप, तो ये कंटिन्यूटी का ध्यान रखना होता है कैमरा एक्टिंग में। आप आसपास देख रहे हैं कितना डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद भी एक्टर को उसी मूड में रहना है और फुल इमोशन के साथ डायलॉग बोलना है। और क्योंकि क्लोज शॉट है तो ज़्यादा हेल्ड डोल भी नहीं सकती हैं, क्योंकि अदरवाइज वो फ्रेम आउट हो जाएंगे। ये शॉट पूरा हुआ, तो इसे इत्तेफाक कहिए या बहुत ही खुशी की बात कहिए कि अब जब भी मैं कहीं ऑन लोकेशन कवर करने जा रहा हूँ तो मुझे जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी के कोई ना कोई मेंबर जरूर मिल जाते हैं, और आज भी मिल गए एकदम से चल के आए मेरे पास। नाम क्या सर आपका? संजय वर्मा मेरा नाम है। और आपका? अमोल साहब। क्या कर रहे हो यहाँ पे संजय वर्मा? सर हम लोग एक्टिंग में एक्टिंग ही कर रहे हैं अभी, और जो है हम लोगों को बीच बीच में जो है छोटे छोटे अपना काम मिल रहा, और ऊपर से जो है हम लोग ऑडिशन भी अटेंड कर रहे हैं। ऑडिशन भी दे रहे हैं? हाँ, रामनगर, माहडा, अपना यहाँ सब जा रहे हैं सर। और आपने सर, ये काफ़ी टाइम हो गया सर, और आपने बहुत अच्छी चीज़ें जो आपने बेसिकली बेसिक चीज़ें जो आपने बताया कि बॉडी लैंग्वेज और ऑडिशन का जो बेसिक, यानी कि इंट्रो में ही लोग फंस जाते हैं, है ना? तो इंट्रो का सर आपने कितनी बारीकी तरीके से बताया है। और ये चीज़ मैंने अदर लोगों से भी देखा कि अदर जो और YouTube के जो वीडियो डाले गए हैं एक्टिंग के, उसमें ये बारीकी नहीं दिखाया गया है। बट सर आपका जो बेसिक वाला जो इंट्रो का, केवल कि इंट्रो में ही सब कुछ पता चल जाता है, और उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते थे पहले सर। हाँ, वो चीज आपने बहुत अच्छा बताया सर। आप लोग समझ जाओ कि अगर आप भी वीडियोस देखते हो तो आज इन्होंने इसको सर्टिफाइड कर दिया है। इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कब से कर रहे हो और कब से चैनल देख रहे हो? एक साल से देख रहा हूँ। क्या आपको फायदा हुआ ये सही बताओ, क्या आपका ऑडिशन का फायदा हुआ? ऑडिशन में कैसे आप बात करते सामने वाले से? राइट। इंट्रो को ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे को इंट्रो अच्छा लगा, नहीं तो इंट्रो हम लोग इतने कुछ नहीं देखते थे। इंट्रो में कुछ वो लगता है कि नॉर्मल बस बताना है। जी बताना है, हाइट वीडियो है, वो जो अपन ऑडिशन जो देते हम लोग को लगा वो अच्छा रहेगा, तो इंट्रो मालूम करेगा। इंट्रो पूरा बेसिक इंट्रो पे
तो जो अभी हम लोग ऑन लोकेशन वीडियो बना रहे हैं वो अब दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि और जो आने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट होगा? जी सर, बिल्कुल मिलेगा सर, 100% बिल्कुल मिलेगा। तो बिल्कुल मुझे ये बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं और उसकी कामयाबी पता चलती है तब जब वाकई लोगों को फायदा होता है। जी जी, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि अब सब लोग काम करने लग गए हैं, भले हम लोग अभी तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए थे, एक चैनल के माध्यम से जुड़े थे, लेकिन आज मुलाकात हुई है। कमाल, बहुत अच्छे से काम करो, बहुत बढ़िया काम करो लाइफ में, आप लोग बहुत आगे जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू। सर, हम लोग एहसास कर सकते हैं कि हम लोग आपके कितने करीबी हैं, क्योंकि हम लोग जो है आपके वीडियो को वॉच कर रहे हैं सर। अभी आपने फर्स्ट टाइम आपसे जैसे मेरी मुलाकात हुई तो ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि काफ़ी दूर है, बट हम लोग बहुत क्लोज है सर। ऐसा जब किसी भी जैसे किसी एक्टर को जब हम ज़्यादा लाइक करते हैं तो उसको जब देखते हैं सामने से तो इतना लगता है कि हम कितने इनसे क्लोज हैं, है ना? तो वही चीज़ सर आपसे है कि आपको देखते ही लगा कि कितने हम क्लोज हैं सर। आप लोग तो हमें यार, आप लोग तो हमें, चलिए बहुत अच्छे से काम करिए, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके सर, ऑन लोकेशन में मैं हूँ इस समय पुलिस स्टेशन में और पूछताछ कुछ करने वाला हूँ आप लोगों की तरफ से। यहाँ के जो इंस्पेक्टर्स हैं, मतलब कि अंकुर शर्मा, इनसे पहले ही मिल चुके हैं आप, जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी के लोग, मजर वाइज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल में आप इनको देख चुके हैं। मनीष शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो आज स्टोरी शूट हो रही है इसमें आप क्या क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? शुरुआत कीजिए। सबसे पहले तो मजर भाई बताएंगे। अच्छा ठीक है। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। मकसद बताना नहीं, बचाना है। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक और नया केस आया हमारे पास, काफी खतरनाक केस है, मर्डर है और उलझने हैं, लेकिन धीरे धीरे ये टीम जो है मिलकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग मिलाकर एंड जोड़ तोड़ करके सॉल्व कर ही देती है एज यूजुअल। ओके ठीक है, आप क्या कर रहे हो? जोड़ तोड़ का हिस्सा हूँ। जोड़ तोड़ का हिस्सा हूँ क्योंकि मर्डर कहीं और हुआ है और उसकी कड़ियाँ जो हैं मजर भाई के एरिया तक पहुँच गई हैं, तो कुछ हिस्सा हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी का हिस्सा मजर भाई सॉल्व कर रहे हैं। कुल मिला के है कि मिलजुल कर ही केस सॉल्व हो रहा है। और मरी भाई आप? बस बता दिया, एक दो टीम। ये सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ये भागते हैं, कूदते हैं और बहुत ज्यादा मजाक भी करते हैं। लाइने पड़ रहे होते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता है मस्ती का, हम ऑन सेट ही मस्ती करते हैं, वो भी यही करते हैं और हंसाते हैं हमें, और जिसकी वजह से रीटेक भी होता है। रीटेक हुआ तो हाँ, तो पहले इनको तो इशारा इधर, इशारा इधर, मतलब ये बिल मेरे ऊपर फाड़ा जा रहा है। ऑन रिकॉर्ड है भाई, तो वे नहीं नहीं हम मस्ती नहीं करते, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, इतनी लाइनें होती हैं, इतने नाम होते हैं, इतनी डेटें होती हैं, इतनी टाइमिंग्स होती है, तो आपको हर चीज़ जो है प्रिसाइज रहना पड़ता है, याद रखनी पड़ती है, accurate और बोलना है, एक्यूरेट बोलना है, और इतने सारे सीन्स होते हैं, यू हैव टू कम्प्लीट इट विद इन 2-3 दिन। तो ये सारी चीजें जो है मिला जुला के हमारे पास वक्त नहीं रहता। जो नॉर्मल लोगों के मन में एक पुलिस को लेकर इमेज होती है उसको जितना आप लोग सही करते हैं, क्योंकि आपको देख के लोग सोचते हैं हाँ यार पुलिस ऐसी होती है, जबकि पहले से उनकी जो भावना होती है कुछ अलग होती है, इमेज कुछ अलग होती है, तो जो इमेज आप सुधारने का काम कर रहे हैं या उसके इमेज को सही से रखने का काम कर रहे हो, ये कितना अच्छा लगता है आपको, कितना क्या कहोगे? ये पिछले 7 साल से कर रहे हैं, सुधार रहे हैं इमेज। आप इनसे ये सवाल पूछें तो बेहतर होगा। नहीं, पब्लिक पुलिस के बारे में क्या सोचती है ये उनकी पर्सनल, पुलिस बहुत काम करती है अपना सारा, मतलब 100% वो देती हैं, उनकी वजह से ही सब कुछ हम लोग सुरक्षित हैं, और हम ये काम करते हैं तो हमें ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो हम ऑन सेट बातें भी करते हैं कि यार हम ये केस सॉल्व करने में या ये इस केस की शूटिंग करने में हम लोग इतना परेशान होते हैं, तो जब ये लोग वाकई में एक्चुअली क्रिमिनल्स के पीछे जाते होंगे, कोई केस उनके पास आता है तो वो उसको सॉल्व करना, इट्स नॉट ए जोक, मतलब वो वाकई में उनका जॉब बहुत डिफिकल्ट है। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, हर स्टेट की पुलिस को, हर जगह की पुलिस को हेड्स ऑफ है कि आप लोग वाकई में बहुत हार्ड वर्क है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। एक्चुअली सच्चाई यही है कि वो लोग करते हैं ईमानदारी से काम, इसी वजह से आज हम तसल्ली से बैठकर यहाँ शूटिंग कर पा रहे हैं, बिना किसी टेंशन, बिना किसी डर के,
और ये सेटिस्फेक्शन है कि हम यहाँ सेफ हैं इन्हीं ईमानदार लोगों की वजह से। ठीक है, हो सकता है कुछ पार्ट में कुछ खामियां हो, लेकिन वो हर चीज में होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है। नहीं, और मैं बताऊं, पुलिस का डर होना बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है पुलिस का डर होना, वरना तो मतलब पता नहीं लोग सड़कों पर ही उतर के कतलेआम करेंगे, कोई परवाह नहीं होगी। बिल्कुल इस तरह का माहौल है। और वो अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके अपना वक्त दे के इतना सब कुछ करते हैं, जैसा इन्होंने कहा मनीष ने, कि हम थक जाते हैं करते करते, जब एक्चुअल में वो लोकेशन पे पहुंचते होंगे, डेड बॉडीज देखते होंगे और मेंटली अपना दिमाग लगाते होंगे इस चीज़ को फॉलो करने, उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़कर, उनकी परेशानियां छोड़कर हमारी सेवा करते हैं, तो सही बात है। हैट्स ऑफ टू देम। हम हर फंक्शन, हर फेस्टिवल अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, बट वो लोग लगे रहते हैं, वो लोग बंदोबस्त में होते हैं, वो न्यू ईयर हो या जो भी फेस्टिवल हो, सब इसी में वो लोग ऑन द जॉब। और जो स्टोरी को आप 3 या 4 दिन में शूट करें, एक्चुअली उन्होंने उसके लिए कितना समय दिया होगा? आज तो 100 हो के स्क्रिप्टेड हो गया, हम लोग तो 12 घंटे या 15 घंटे शूट करते हैं, लेकिन वो लोग तो 24 घंटे एक्चुअल केस के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, भागा दौड़ी फैमिली की, मतलब और धमकियां आती होंगी उनको, क्या क्या नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, वो उनका जॉब बहुत बहुत खतरनाक है, बहुत। तो हम नहीं सुधार रहे हैं, हम उनका इमेज जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए जो है एक प्रिविलेज बात है कि हमें उस बयां करने के लिए एक मौका मिल रहा है। बात मदर भाई ने, अंकुर भाई ने और मनीष भाई ने बहुत अच्छे से रखी है, और इसलिए इस बात के लिए हमारी पुलिस के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जब आप लोग यहाँ पे शूट करते हो तो एक माहौल बन जाता है, एक क्राइम पेट्रोल आप बहुत पहले से कर रहे हैं, आप भी बहुत पहले से कर रहे हैं, आपने जैसा मदर भाई, मैं अभी भी चूजा हूँ, नया नया आया हूँ। तो क्राइम पेट्रोल या तो किसी को शुरू में चूज किया है, इसलिए क्राइम पेट्रोल को चूज किया है, वन लाइनर्स होते हैं इनके। तो शुरू में कई लोग काम करते हैं तब अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको बाद में अट्रैक्ट किया, आपको आखिरकार क्राइम पेट्रोल में आना ही पड़ा। हाँ, मैं एपिसोडिक्स बहुत कर चुका था जहाँ पर मैं क्रिमिनल बना था, इनसे मार पड़ी है वगैरह, इंटरोगेट किया है, फिर मैंने सोचा कि एक दिन बस अब हो गया, अब मैं जो है ना मैं पुलिस में जाऊँगा, बहुत हो गया क्रिमिनल बनना, तो सुधार है मुझमें भी, सुधार है, और इनका पीआई बनूंगा और इन्हें भगाऊंगा, जितनी मार खाई है वो सारा बदला लूंगा। केबिन में आप बैठेंगे और ये काम करेंगे, बिल्कुल। चलिए, ये है कि बाहर भागने के पीछे हमारे और भी फायदे हैं, मतलब फिटनेस रहती है भागने से, रहती है, और दूसरी जगह अलग अलग जगह खुले में शूट करते, खुले में शूट करते, वो भी फर्क पड़ता है, नई नई लोकेशंस को देखने को मिलती है। खुले में शूट जरूर करिए, लेकिन खुले में शौचालय मत करिए। हाँ बिल्कुल, स्वच्छ भारत ये भी व्यूअर्स के लिए एक एक और मैसेज है कि खुले में सोचिए लेकिन शौच मत कीजिए, सोचिए मगर सो करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच परिवार, थैंक्स अ लॉट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स। और हाँ, मकसद बताना नहीं, बचाना है, देखते रहिए। तो ऑन लोकेशन वीडियो में अब मेरे साथ हैं जो डायरेक्टर क्रिश। हेलो, वेलकम टू जंगम्स। क्रिश, आप पहले से ही क्राइम पेट्रोल करना लगा था? हाँ, एक्चुअली काफी टाइम किया है मैंने, 6 साल क्राइम पेट्रोल ही किया है मैंने, उसके बाद अभी 1 साल का गैप था, अभी फिर क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ। ओके, पहले आपने क्राइम पेट्रोल सतर्क किया और अब ये दस्तक, ये मेरा पहला एपिसोड है, पहला एपिसोड है, मतलब दस्तक में इनकी पहली दस्तक है, पहला एपिसोड है, क्या बदलाव है कुछ की सेम चीज़ है सब? नहीं, थोड़े से चेंजेस है, सतर्क और इसमें थोड़ा चेंज है, बस और कुछ नहीं, शो एक ही है, शो एक ही है। ओके, आप लोग बहुत सारा शोर शराबा सुन रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पर अभी सेटिंग चल रही है, दूसरे सेटअप जम रहा है, लेकिन उसमें से हम थोड़ा सा समय चुरा के और डायरेक्टर साहब को चुरा के लाएं, इसलिए ताकि वो आपसे बातचीत कर पाए। क्राइम पेट्रोल की पॉपुलरिटी की मेन वजह आपको क्या लगती है, इतना पॉपुलर क्यों? बिकॉज इट्स अ इन्वेस्टिगेशन शो, जो मतलब एक बहुत अच्छी स्पीड में चलती है, बहुत रियलिटी दिखती है इसमें, रियल, हम बहुत ही रियल तरीके से इसको शूट करते हैं, यहाँ ड्रामा नहीं होता, तो ये एक पॉपुलरिटी है कि ये शो ऐसा चलता है, मतलब अच्छा लगता है ऑडियंस को। जो 6-7 साल से चल रहा है शो, हर डायरेक्टर की बड़ी ख्वाहिश होती है, ज़्यादातर मैंने सुना है कि बड़ा ना फैंसी शॉट लगाऊंगा, एकदम ग्लैमरस शॉट और ये, लेकिन यहाँ पे एकदम रॉ शूट करना है, तो ये चैलेंजिंग लगता है विजुअली? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली सबसे फ्रीडम इसी शो में। अच्छा। जो अदर शो, जो टीवी में जितने भी शोज हैं उसमें सबसे ज़्यादा डायरेक्टर को यही एक शो है जहाँ इनको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिलता है शॉट्स लगाने का, सारी चीज़ों का, लाइटिंग करने का।
तो एक अच्छा है कि रियलिटी है, तो रियलिटी में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी दिखा सकते हो, जैसा आपको दिखाना है, जैसा आपने कंसीव किया आप वैसा दिखा सकते हो। तो ये एक सबसे अच्छा चीज़ है कि क्राइम पेट्रोल करने का, कि क्राइम पेट्रोल में हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, हर एपिसोड में हम नया नया चीज़ कर सकते हैं, नई तरीके से नया लुक पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैसा रखना है, क्या करना है, तो एक मज़ा है इस शो का। कितनी स्टोरीज अभी तक की होंगी आपने? याद नहीं है वैसे तो, काफ़ी की। हाँ मतलब एक्चुअली मैं एज एन इंटर्न ही ज्वाइन हुआ था क्राइम पेट्रोल में, मैंने असिस्टेंट भी यहीं पर किया, डायरेक्टर भी यहीं पर बना, तो सब कुछ यहीं चल रहा था बस। तो अगर देखा जाए तो कोई डायरेक्टर इतने सालों में 10 20 25 इससे ज़्यादा स्टोरीज नहीं कर सकते, लेकिन आपने कुछ भी किया होगा तो 200-300 तो किया होगा ऐसे ओवरऑल असिस्टेंट कैरियर से लेके अभी तक, तो 200-300 तो होगा ही होगा। हाँ। तो सब लोगों का एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग अलग बताते हैं, इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल शुरू से आखिर तक का है क्राइम पेट्रोल, एक ही सर्टिफिकेट है। नहीं अभी एक साल गैप था, एक हाँ। साल में बीच में 3 महीने में दुबई में था, दुबई शूट कर रहा था मैंने, वहाँ पर हिस्ट्री चैनल के लिए एड शूट किए मैंने, फीफा वर्ल्ड कप के लिए कोक का एड शूट किया, एक और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी चीज़ें शूट की मैंने, बिफोर यू के लिए एक शो शूट किया मैंने, पूरा सेटअप किया। तो क्रिश अभी जो भी नए एक्टर आते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने क्राइम पेट्रोल ना किया और शुरुआत किया, नए एक्टर जो आते हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई जो पहले नहीं थी क्राइम पेट्रोल से पहले, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि इसको कैसे लें, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं मैं एपिसोडिक ना करूं, छोटे रोल ना करूं, नेगेटिव ना करूं। नहीं एक एक्टर जो है उनका एक स्टार्ट है, स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग आपको जाने, लोग आपको देखें डेली बाय डेली आपको देखें। तो ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर छोटा होता है, हर एक कैरेक्टर अपने ही अपने लेवल पे वो बड़ा ही होता है, बड़ा ही होता है। तो वैसा कुछ नहीं है, मैं मतलब पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं देना चाहूँगा, बट वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या करना है। ओके इतना जब प्रेशर रहता है कि एक मैं देख रहा हूँ सुबह से एक बार शूट वहाँ चल रहा है, फिर यहाँ पर तैयारी चल रही है, बाकी तैयारी चल रही है, 2-3 दिन के अंदर पूरा शूट भी कम्प्लीट करना है, टेलीकास्ट भी होना है, इतने कूल कैसे रहते हो आप? ये तो मैं एक्चुअली जब मैंने क्राइम पेट्रोल ज्वाइन किया तो मैंने हमेशा देखा कि लोग बड़े पैनिक है, सब भाग रहे ये वो, तो मैंने सोचा था जब भी मैं डायरेक्टर बनूंगा तो एकदम कूल बनूंगा, चिल बनूंगा, तो मैं चिलूंगा। तो इनकी कूलनेस के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो क्राइम पेट्रोल के ऑन लोकेशन शूट में मुझे जो सबसे ज्यादा टाइम लगा है, टाइम लेने का, वो लगा है प्रभात सर का, जो डीओपी है। वेलकम टू जॉइनफिल्म। हाय हाय सर। कभी भी कोई शॉट होता है तो सब लोग अपनी अपनी जगह पे फ्री हो जाते हैं थोड़ी देर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डीओपी कभी फ्री नहीं होगा। सी एक्चुअली क्या है कि हमारा जो फॉर्मेट है क्राइम पेट्रोल को, मैं अगर बात करूँ तो ये थोड़ा सा डीओपीज के लिए काफ़ी हैटिक होता है, क्योंकि वन डे में काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल्स हमारे टाइट शेड्यूल्स होते हैं और करना पड़ता है उसमें, इन शेड्यूल में बहुत टाइम कम होता है और आपके पास सीन्स ज़्यादा होते हैं नंबर्स ऑफ, तो हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है कि हम टाइम टू टाइम पैकअप करें, उसके चक्कर में हमारा थोड़ा सा टाइम बहुत कम रहता है। और नेक्स्ट शॉट की तैयारी? यस यस, फर्स्ट सीन करते हैं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन चालू रहता है हमारा। तो थोड़ा सा हैटिक शेड्यूल होता है इस फॉर्मेट के लिए, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर शोज डेली शॉप, और मैं दूसरे शोज की बात करूं तो काफ़ी टाइम्स होते हैं लाइटिंग के लिए, सेटअप के लिए, नाइस आर्ट बैकग्राउंड। हाँ हमारा थोड़ा सा क्योंकि हमारा फॉर्मेट भी जो है वो रियलिस्टिक है, रॉ है, बहुत रियल टच है, और टूवर्ड्स हम उसमें ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ना कि हम ज़्यादा लाइटिंग कैमरा फैंसी दिखाना, पूरा फैंसी ग्लॉसी और इस सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करके अदर देन हम लोग स्टोरी को नैरेट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो स्टोरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नैरेट करते हैं, ज़्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो उसमें नहीं रहता है, लाइटिंग में, कैमरा में। टेक्नोलॉजी हमारा मेन टूल नहीं, आर्टिस्ट मेन टूल होता है। और यहाँ मैं देख रहा था कि दो कैमरा सेटअप आप करेक्ट हो रहे हैं। ये जो रहता है कि हैंडहेल्ड भी करना, तो शॉट के लिए फोकस हो गया, लाइटिंग हो गया, काफी चैलेंजेस होते हैं। टफ होता है एक्चुअली, बिगनर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये करना। मैं बात करूँ बिगनर्स के लिए, कैमरामैन्स के लिए तो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वन हैंड होता है, आपको फोकस भी करना होता है, आपको ऑपरेट करने में थोड़ा सा फोकस, जूम एक साथ में कभी कभी करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट हो जाता है। बिगनर्स के लिए हमारी बात करूँ थोड़ा सा टाइम अगर जाता है उसके बाद से सेट हो जाता है हाथ वगैरह, तो हम लोग कर लेते हैं। आपने और कौन कौन से शोज़ किए अभी तक? मैंने कलर्स का कोऑर्डिनेट किया था, वेब सीरीज़ किए काफ़ी सारे, डॉक्यूमेंट्रीज़ किया, उसके बाद से क्राइम पेट्रोल में, क्राइम पेट्रोल सतर कुछ 6 ईयर हो गया। 6 साल से आप क्राइम पेट्रोल? राइट। तो 6 साल से जो आप क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं और आपको इतना पसंद आ रहा है, उसके जो पीछे हैं व्यक्ति वो हैं डीओपी प्रभात, और भी बहुत सारे लोग हैं जो शूट करते हैं, लेकिन उनमें मेन हाथ इन्हीं का है कि वो इतना इंटरेस्टिंग, उसको उसका थ्रिल एलिमेंट आप लोग बना के रखते हो सिनेमाटोग्राफी के लिए। हाँ करेक्ट। वो एक्चुअली हमारा जो स्क्रीन प्ले होता है वो होता ही है, हम उसको बस फॉलो करते हैं, और हमारा ये रहता है कंसंट्रेशन कि जो मेरा स्क्रीन प्ले है, जो राइटर का थॉट है, जो स्टोरी है,
उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा वो करें ना कि अदर देन करेक्ट जी थैंक यू और हाँ चलिए थैंक यू सो मच हाय बहुत अच्छा बेस्ट ऑफ लक तो अब मेरे साथ जो हैं किशोर और शबाब जी ये वो लोग हैं जो किसी भी शूटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं मतलब अगर ये ना हो या ये देर से पहुँचें तो शूटिंग का पूरा एजुकेशन बिगड़ सकता है बदल सकता है किसी के पास कोई भी परेशानी आती तब भी इनके पास आते हैं और कोई परेशानी ना आए उसके लिए रात दिन काम करते हैं वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स थैंक यू सर किशोर और शबाब ये जो परेशानियाँ लेने का शौक़ है ये शुरू से था इसलिए इस प्रोफेशन में आए जी हाँ जी मतलब कोई भी दिक्कतें लाओ बताओ नहीं 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 शुरू से सही है मतलब पंगे लेने और मेहनत वाले काम करने में बहुत मज़ा आता है सॉल्व करना है लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता कि प्रोडक्शन जो होता है उसका प्रोफेशन काम क्या होता है क्या काम होता है प्रोडक्शन का मतलब सबसे पहला आना और पूरे यूनिट को खड़ा करके काम कराना और सबसे आखिरी में जाना है और फिर अगले दिन की तैयारी भी करना तैयारी भी करनी तो पूरे दिन जब इतना प्रेशर रहता है तो इतना हंस कैसे रहो इतना आराम से कैसे सर ये हमारे जो आदर्श हो गए और हमारे जो गुरु है करते करते वो हमें बहुत अच्छे तरीके से काम सिखाते मतलब सिखाते हैं वो सब समझाते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उनकी वजह से बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत कुछ सीखना और मतलब अब तो आदत सी हो गई है सहने की ओके तो जो एग्जीक्यूशन आप जब करते हो मुझे आप पूरा दिन का एक शेड्यूल बताओगे कैसे प्लानिंग शुरू करते हो किस किस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हो कॉल टाइम शेड्यूल जैसे हमारा यूनिट लाइनअप होता है पूरा जिसमें डायरेक्टर DOP एंड सेटिंग लाइट स्पॉट कैमरा गाड़ियाँ होती है सब वगैरह वगैरह जो भी मतलब यूनिट लाइनअप में होता है सबको कॉल टाइम देना यूनिट लाइनअप करना लोकेशन वगैरह का साजिद भाई करते हैं वो सब ओके अभी हम लोगों को सीखना है तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन चलता रहता है सबको काम बटे होंगे सबके काम बटे होंगे तो मेरे लिए आप क्या संभालते हो और आप क्या संभालते हो हम लोग जैसे जो भी दोनों जैसे दो यूनिट चलता है एक यूनिट दूसरे लोकेशन पे चलता है एक यूनिट जैसे यहाँ चल रहा है आज तो एक यूनिट में मैं रहूंगा तो एक यूनिट में वो रहते हैं सब अलग अलग यूनिट हैंडल करना शिफ्टिंग वगैरह बहुत जैसे क्राइम पेट्रोल में आपको मालूम ही है कि बहुत आपने देखा ही है सुबह से ऐसा रहता है बहुत सारा काम एक साथ बहुत तो आपने एक्टिंग भी किया हाँ सर एक्टिंग की है ना ये बहुत बड़ा एक्टर है सर कहाँ कहाँ एक्टिंग करी आपने सर की है एक्टिंग इधर पुलिस चौकी में भी की है अच्छा थोड़ा एक एक्शन सीन किया है अच्छा तेरे मिल गया था एक रेप सीन कर दिया हाँ काम तो चल रहा है दो स्टोरी पहले ही रेप क्या है प्रोडक्शन वाइज करना पड़ता है सर अगर शूट रुकी हुई है काम रुका हुआ भी करना होता तो फिर हमको प्रोडक्शन वाइज खड़ा होकर काम करना पड़ता है क्योंकि काम को रुकाना तो हमारा लेट और फिर प्रेशर वो हमारी इंसल्ट हो जाएगी मतलब वो जो एक्टिंग किया वो भी मजबूरी में काम पड़ गया नहीं हो पा रहा तो चलो वो भी कर तो मतलब इतना तैयार रहना पड़ता है एक प्रोडक्शन पर्सन को कि भैया कुछ भी हो जाए काम नहीं रुकेगा काम ना हाँ ये तो कोई एग्जांपल ऐसा मुझे दोगे जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई थी और फिर आपकी टीम ने मिलकर सॉल्व किया बहुत जल्दी रिपेयर किया कोई इंसिडेंट ऐसी प्रॉब्लम तो सर रोज ही आती है रोज ही आती है जैसे कुछ इशू हो गया कोई चीज़ नहीं है दूर से लाना है तो फटाफट किसी को बोल के सब मतलब मिल के काम करते टीम वर्क होता है अरेंजमेंट हो जाता है रोज ही प्रॉब्लम होती है बट सॉल्व हो जाता है सब सॉर्ट आउट हो जाता है नॉर्मली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या पेट्रोल मीन्स प्रॉब्लम और आप मतलब प्रॉब्लम बट सॉल्व अच्छा लगता है प्रॉब्लम नॉर्मली बोला जाता है कि जो प्रोडक्शन पर्सन होते हैं जो पीपल होते हैं उनके कभी भी जबान में नो नहीं होता ना नहीं ना बोल नहीं सकता ना बोलना सीखा ही नहीं प्रोडक्शन हाँ हो जाएगा करके शो मस्ट गो ऑन कैसे भी करके मतलब चीज़ों में ऑल होके करना ही पड़ता है करना जरूरी है जो भी नए लोग आते हैं चाहे वो टेक्नीशियन हैं चाहे वो एक्टर आर्टिस्ट हैं वो कई बार इस माहौल को समझते नहीं कि भाई टाइम पे आना चाहिए मिलजुल के काम करना चाहिए कॉपरेट करना चाहिए उससे कई बार परेशानी क्रिएट होती है तो उन नए लोगों को आप क्या कहना चाहोगे किस तरह से वो आए और काम करें जो भी नए एक्टर आ रहे हैं नए लोग आ रहे हैं अब सर देखो जो नए आते हैं उनको समझाना तो पड़ता है आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे जो भी तरीके होते हैं सर उसके क्राइम पेट्रोल ऐसा लगता है कि जैसे वगैरह वगैरह शो में क्या होता है कि सब आराम से काम होता है और यहाँ क्या है यहाँ एकदम पोछो सब प्रेशर में सब प्रेशर में जो डेली शोज वगैरह करते हैं वो लोगों को लगता है कि क्राइम पेट्रोल मतलब कैसा करते हैं कैसा रिएक्ट होता है इसलिए यहाँ पे सब फास्ट होता है तो वही काम कर सकते हैं जो एकदम फास्ट काम कर सकते हैं चल सकते हैं तो देखिए आप लोग भी लाइफ में यही सीखिए कि किसी भी चीज़ के लिए ना मत करिए यही सिखा रहे हैं शबाब और किशोर भाई ठीक है थैंक यू सर बाय सर तो ऑन लोकेशन क्राइम पेट्रोल के शूट पे हम लोग हैं और ये हैं हमारे साथ मनीष वेलकम टू जॉइन फिल्म्स मनीष कब से कर रहे हो आप क्राइम पेट्रोल और बाकी शूट्स वगैरह सर मैं कर रहा हूँ 1.5 महीने से 5 एपिसोड मैंने कर चुका है और 6वां कर रहा हूँ और अच्छा लगा क्राइम पेट्रोल करके पहले क्या करते थे आप पहले मैं हॉस्पिटल ही जॉब करता था अच्छा हॉस्पिटल में जॉब करते थे मैं OT असिस्टेंट था और एक्टिंग में बाद में आया एक्टिंग बाद में आया अरे वाह वाह और अच्छा लगा ये सब चीज़ के कि वो पिछली दुनिया से नई दुनिया मिली है बहुत अच्छी लगी ये अच्छी है कि वो अच्छी थी वो
भी अच्छी थी, ये सबसे बेटर। यार आपकी मूछें बहुत अच्छी हैं, ये कितनी असली और कितनी नकली है? सर ये असली है और मैं इसको जब से मैं मूछ उगाना चालू किया तब से आज तक मैंने कटाया नहीं। ओके, तो ये शेप आप देते रहते हो? मैं देता रहता हूँ। ओके, बहुत अच्छा है। देखिए रोल के लिए वो मूछ भी आपको सपोर्ट करती है ना, लुक आ जाता है उससे। सब लोग बोलते हैं, डायरेक्टर सर भी बोलते हैं, बाकी अन्य अदर भी करते हैं, मनीष कुछ भी हो जाए तुम मूछ मत कटाना, मूछ के वजह से ही तेरा लुक बेटर है। तो मूछे हो तो मनीष जी जैसी हो, वरना ना हो मेरी जैसी हो। ओके, थैंक यू मनीष। थैंक यू। तो यह सुतारवाड़ी का क्राइम पेट्रोल का सेटअप लोकेशन, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में शूटिंग चल रही है, उसके आसपास भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़े से छोटे छोटे सेटअप और हैं, आप ये जो रूम देख रहे हैं यहाँ पर भी शूटिंग भी होती है और मेकअप के लिए भी यूज़ होते हैं अलग तरह से। और उसके बाद ये पार्किंग एरिया के अलावा कभी कभी इसको भी यूज़ किया जाता है चेजिंग या बाकी चीज़ों के लिए। और उसके बाद है फिर ये एक और स्पेस है जिसको कभी पुलिस स्टेशन भी बनाया जाता है, कभी घर भी बनाया जाता है, आपने बहुत सारा देखा होगा। अब यहाँ पर आप एक बोर्ड भी देख रहे हैं इधर पर, ये है पुलिस स्टेशन रे रोड ठाणे। मतलब देखिए यहाँ पे आपके ना लोकेशन एक ही है लेकिन बोर्ड बहुत सारे इसलिए हैं कि जब जैसा थाना बनाना हो, पुलिस स्टेशन बनाना हो, तो उसको बना दिया जाता है। और यहाँ पे अलग अलग जगह पे काम चला, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो स्क्रिप्ट लेके खड़े हैं एक्टर के लिए। अगर फिर आप घूम के देखेंगे लोकेशन में तो जो दूसरी टीम के लोग हैं, एक और डायरेक्शन डिपार्टमेंट के बाकी चीज़ें का अरेंजमेंट देख रहे हैं, और उधर पर पूरी प्रोडक्शन टीम बैठी है। तो फ्रेंड्स, ये था ऑन लोकेशन का एक और वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑन लोकेशन वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को। क्योंकि आप अगर आना चाहते हैं इस बॉलीवुड में या टीवी इंडस्ट्री में, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसके माहौल को बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, लेकिन यही कहूँगा कि अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले पता चल जाए कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।